आरजेडी सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, अब आगे का रास्ता क्या होगा? नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की तस्वीर देखी गई फ्लाइट में, चंद्रबाबू नायडू को स्टालिन के साथ देखा गया एयरपोर्ट पे, तो एनडीए सरकार तो बनेगी, लेकिन आगे कैसे देखते हैं? मुझे बेहद खुशी है कि आज आप कह रहे हैं एनडीए सरकार बनेगी। ये शब्द सुनने के लिए कान तरस गए थे। मोदी 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 की गारंटी, मोदी सरकार, एनडीए तो गुम हो गया था। अब देखिए 239 पे पहुंचे नहीं, खटाखट 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 हाथ जोड़ो अभियान चल रहा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र ने हमें तो मान लीजिए विपक्ष है, आधा आधा कर दिया, लोकतंत्र को खूबसूरत बना दिया। इनको सोचना पड़ेगा कि भैंस मंगलसूत्र मुजरा करिएगा, इस देश को आपने मजाक बना के रख दिया, लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी इनके लिए, अब करके दिखाओ। लोगों ने आपको अयोध्या में झटका दे दिया, ये क्या है? यह आपको एक ऐसी सीख मिली है, उसके बाद ये वेंडेटा पॉलिटिक्स बंद करिए। मेरे साथ नहीं हो, ईडी भेज दूंगा, आईटी भेज दूंगा, सीबीआई भेज दूंगा, जनता ने तमाचा जड़ दिया उस पर। तो नीतीश कुमार सरकार में शामिल हो रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, तो आपको लगता है इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें स्वागत किया जाएगा उन लोगों का जो संविधान बचाने की कोशिश में शामिल होंगे? तो आगे देखते हैं नीतीश कुमार आपकी तरफ आ जाए या चंद्रबाबू नायडू आ जाए। मैं इतना जानता हूं, असल में आप मीडिया के साथियों को, कुछ हमारे साथियों को भी लगता है ना कि जैसे अखबार का पन्ना खोलते हैं कि एक दिन में आज ही सब खबर मिल जाए। सारी खबरें नहीं आई, खबरें अपने रफ्तार से आती हैं। अभी आप देखिए ये जो पोलराइजिंग और कोर डिविसिव एजेंडा को इन्होंने अपना नैसर्गिक मूल चरित्र बना दिया था, उसमें झटका लगा। आप देखिए तमाम मीडिया चैनल्स के सुर बदल रहे हैं। ये सामूहिकता की जीत है लोकतंत्र में, हम पक्ष में हो या विपक्ष में, ये सामूहिकता बरकरार रहनी चाहिए। जहां मंगलसूत्र भैंस मुजरा टोटी तोड़ लेगा, बिजली काट देगा, देखिए जनता ने जवाब दे दिया। तो क्या बिहार से नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी शामिल है, दूसरे सहयोगी दल भी शामिल है, आप क्या चाहते हैं इस सरकार में बिहार के लिए क्या हो? सीधे तौर पे कहता हूँ, कल तेजस्वी जी ने बहुत जी अच्छे से विनम्रता से नीतीश जी के समक्ष की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, यह खैरात नहीं है, अधिकार है। जातिगत जनगणना पूरे देश में अब होनी चाहिए। पैरोकार तो नीतीश जी तेजस्वी जी ही थे, नीतीश जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में केंद्र में, पूरे देश में हो। जो हमने आरक्षण का दायरा वहां बढ़ाया वो और 9वीं अनुसूची में आ जाए, और बिहार को विशेष राज्य के अलावा विशेष पैकेज दे। बिहार को लेबर सप्लाइंग स्टेट बना के जो रखने की सब कुछ, मुझे गुजरात से कोई विरोध नहीं है, महात्मा गांधी का गुजरात है, इन दोनों का ही नहीं है सिर्फ, लेकिन निवेश सिर्फ गुजरात में क्यों, बिहार में क्यों नहीं? बिहारियों को सिर्फ वोटर बन के छलने की कोशिश अब अगर आप करेंगे तो पूर्ण विराम लग जाएगी। मेरी मांग तो केंद्र की सरकार है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश जी हैं, और ये कोर इश्यूज हैं नीतीश जी के, हम साथ थे तब भी, विलग थे तब भी। विधानसभा चुनाव में अब आरजेडी की क्या तैयारी होगी? अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपके गठबंधन को, 9 सीटें मिली, क्या तैयारी होगी? सीधी सी बात है, तैयारी तो हमारी अभी भी चल रही है। आप बिहार के किसी गांव में जाइए, आप पूछिए नौकरी, नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी बहुत बड़ा एजेंडा होने जा रहा है बिहार में, क्योंकि मैं जहां जहां गया, हो सकता है हमें वोट उस अनुपात में जो उम्मीद थी नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया उनके अंदर भी रिग्रेट है कि हम विधानसभा में इसकी भर, यानी विधानसभा में आप दावा कर रहे हैं कि आपको बहुमत मिलेगा जो बहुमत यहां नहीं मिला, अपार, सिंपल मेजोरिटी नहीं, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। तो मनोज झा थे हमारे साथ, आरजेडी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, और केंद्र सरकार से 3 मांगे होंगी बिहार के लिए, जिसकी बात मनोज झा भी कर रहे हो, तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं।